अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश। तो आज का टॉपिक जो है वो बजिस से रिलेटेड है। बजिस का जो है मेरे पास एक्जी का एक पेयर है और हुगरोमो का एक पेयर है। तो हुगरोमो का ये पेयर है, ये देखें, ये वाला। और उसके बाद एक्जी के जो है मेरे पास दो फीमेल हैं और एक मेल है, और होगो का भी मेरे पास इस तरह दो फीमेल हैं और एक जो है मेल है। तो असल में जो है मैं इनको जो है पेयर लगाना चाह रहा था, तो तीनों को जो है मैंने एक ही केज में शिफ्ट कर दिया। मेरे पास दो फीमेल हैं और एक मेल है एग्जीबिशन का। तो मैं चाह रहा था कि जो है आपस में पेयर लग जाए, लेकिन जो है ये पेयर लग नहीं रहा। दोनों फीमेल जो हैं वो आपस में पेयर लगी हुई है और मेल के साथ जो है कोई एडजस्ट नहीं हो रही। तो मेल जो है ट्राई करता है, मतलब जो है देखें जैसे अब जो है ये लगा हुआ है इसको, मतलब फीड वगैरह कराने उसमें, लेकिन फीमेल जो है मारती है, मतलब उस तरह फीड नहीं करती और वो पेयर आपस में नहीं लग रहा। और एक वो जो पीछे चिपकी हुई है केज की दीवार के साथ वो फीमेल है, तो वो जो है ये वो वाली फीमेल और ये जो राइट साइड पे बैठी हुई है ये फीमेल जो है दोनों आपस में जो है पेयर लगी हुई है। तो इस वजह से जो है ये पेयर बन नहीं रहा। तो इसलिए जो है आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो इसी बारे में है कि जो है इनको पेयर कैसे लगाते हैं और क्या सीन होता है। तो इनको जो है मैं इस पेयर को उठा के, पहले मैंने ये सोचा था कि इस फीमेल को उठा के जो है अलग केज में छोड़ देता हूँ जिसके साथ पेयर नहीं लगाना, और दूसरी फीमेल के साथ जो है ये मेल पेयर लग जाएगा। तो फिर ये हुआ कि जो जिस फीमेल के साथ मैं पेयर लगाना चाह रहा था वो फीमेल जो है होगो के जो साथ मेल है, उधर जो है जब वो वाली एक फीमेल इसमें से मैंने हटा दी, तो दूसरी फीमेल जो एग्जीबिशन की थी वो एग्जीबिशन मेल के साथ पेयर लगने के बजाय होगो मेल के साथ जो है पेयर लगना स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको जो है इन सब से अलग करके थोड़ा अलग दूर जो है शिफ्ट करूं, ताकि जो है ये आपस में पेयर बन जाए जो पेयर मैं बनाना चाह रहा हूं, ताकि जो है वो ब्रीड करें। क्योंकि जो है ये देखें जो अभी स्टेक पे ये फीमेल है और एक ये, तो साइज़ में इसका जो है मतलब हेड जो है वो बेहतर है जो राइट साइड पे जो सबसे पहले नंबर पे फीमेल बैठी है उसके निस्बत। तो मेल का भी साइज़ अच्छा है माशाल्लाह, इन सब के साइज़ अच्छे हैं, लेकिन जो है हेड जो है वो एक मेल और एक फीमेल का ज़्यादा अच्छा है। तो इनको जो है आपस में पेयर लगाना है मैंने, तो इसके लिए जो है हम ये करेंगे कि अलग केज जो है ये देखें उस तरफ जो है केज पड़ा हुआ है, खाली है वो मेरे पास। तो इस पेयर को, पूरे पेयर को उठा के ही जो है मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, ताकि जो है ये आपस में पेयर लग जाए। अभी कितने दिन में लगता है, क्या सीन होता है, कितना टाइम लगता है, तो वो जब पेयर लगेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कि जो है आपस में पेयर लग गया। फिर जो है जब ये आपस में पेयर लग जाएगा तो फिर उस इस पेयर को उठा के हम इसी केज में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है बॉक्स लगा हुआ है, ताकि जो है ये ब्रीड वगैरह स्टार्ट कर दें। तो अभी जो है ये पेयर नहीं है आपस में, लड़ते हैं, ये देखें फीमेल मार रही है इसको। तो ये सीन होता है इनका, तो इसलिए जो है पेयर लगाना ज़रूरी है ताकि जो है ब्रीड आए। तो खुद ब खुद से जो है पेयर नहीं लगते, कभी लग जाते हैं, लेकिन जो है मुझे अब जो है इसे उसी पेयर मेरी फीमेल के साथ लगाना है, तो इसलिए जो है मुझे उनको अलग केज में शिफ्ट करना होगा, ताकि जो है उसके साथ ही पेयर अप हो, ऐसे अलग जो है किसी के साथ ना हो, उसी फीमेल के साथ ना हो, उसी के साथ हो जिसके साथ मुझे पेयर लगाना है। तो मेल देखें, मेल जो है अच्छा है काफ़ी, और इस तरह से। तो ऐसा करते हैं कि जो है मैं मेल को यहाँ से पकड़ता हूँ और उस केज में शिफ्ट करता हूँ, फिर जो है फीमेल को जो है पकड़ के उधर शिफ्ट करते हैं। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ उस केज में शिफ्ट कर लूँ, तो फिर आपको जो है मैं पकड़ के दिखाता हूँ कि क्या सीन है। तो अच्छा, पहले तो मेल को पकड़ लेते हैं। मेल जो है काटता नहीं कुछ खास, जो है वो थोड़ा टेम्ड है, लेकिन जो है फीमेल जो है वो काटती है काफ़ी और गुस्सा करती है। वैसे इन्हें पकड़ना भी जो है आसान नहीं है। तो ये मेल है देखें, यहाँ पे तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, ये देखें कुछ इस तरह से इसका हेड वगैरह, और इस तरह ये है। तो इसको जो है वहाँ पे छोड़ते हैं। ये केट जो है मैंने वो किया है, तो अब जो है ये रही फीमेल रह गई, इन दोनों में से जो है एक फीमेल को चूज़ करना है और उसको जो है वहाँ पे छोड़ना है। जो केट के साथ ही चिपकी हुई उस फीमेल को मैंने पेयर अप करना है उसके साथ, तो उस फीमेल को हम पकड़ेंगे
और इधर जो है उस मेल के साथ छोड़ देंगे, तो जब पेयर लग जाएगा तो फिर मैं वो भी दिखाऊंगा। तो मैं इतना जो है उस फीमेल को पकड़ता हूँ, तो फिर वहाँ पे छोड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, फीमेल को भी मैंने जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और मेल को भी। ये वाला मेल है नीचे, एंड देन ये वाली फीमेल है। तो फीमेल जो है ज़्यादा एक्टिव है। एग्जीबिशन में ये होता है कि जो है मेल भी होते हैं, लेकिन ये इतने उस तरह नहीं होते, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उस टाइप के होते हैं। तो इनका साइज माशाल्लाह अच्छा है, वीडियो में उस तरह नहीं पता चलता, लेकिन जो है लाइव अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा और बड़े साइज़ में। ये नॉर्मल बडीज के हिसाब से एग्जीबिशन काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं। एग्जीबिशन का ये होता है, इनका सब कुछ हेड में होता है। जितना अच्छा हेड होगा उतनी ज़्यादा कीमत होगी एग्जीबिशन की, और उतना ही अच्छा जो है वो काउंट किया जाएगा कि एग्जीबिशन। तो ये वाला मेल है, और जो है वो दूसरी फीमेल है पीछे। ठीक हो गया। तो ये जो है इनका दाना पानी मैंने यहाँ पे रख दिया था, और पानी भी डाल के, और समुद्री झाग वगैरह भी, जो कि ये जो है पसंद करते हैं और करते हैं। तो अब जो है जब ये पैर लग जाएगा जो है उस तरफ आएंगे ब्रीड की तरफ, तो देन जो है फिर हम इसको जो है उठा के इस पैर को वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ताकि जो है ब्रीड वहाँ पर रहिए। मे भी यहाँ पर मैं जो है इनको बॉक्स लगा दूँ, तो जो है यहाँ पे ब्रीड नहीं, तो वहाँ पे जो है वो सब इनको डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं चाह रहा था कि ये वाला आपस में पैर लगे, तो ये पैर लग नहीं रहा था। तो अब जो है ये यहाँ पे सेपरेट हो गए, उनसे दूर होंगे, तो इंशाल्लाह जो है जल्दी पैर लग जाएगा। बजीस का इतना वो नहीं होता, बस जल्दी पैर लग जाता है, लेकिन बस कभी कभी जो है ना कोई वो हो जाता है कि जो पैर लग नहीं रहा होता किसी वजह से, क्योंकि इस वजह से ये पैर नहीं लग रहा था कि ये फीमेल फीमेल दोनों फीमेल आपस में पैर लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है वो फिर मेल के साथ पैर नहीं लग रहा था। तो अगर ये ना लगी होती तो एक आध फीमेल को इस मेल के साथ पैर लग जाती। तो अभी जब अलग होंगी उससे, तो यहाँ पे जो है लाजमी पैर बना लेंगी। ठीक हो गया। ये देखें, इसको पैर वो हो गया। एंड मेरे पास जो होगो वाले हैं वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। होगो की एक फीमेल जो वाइट वाली थी, उसने जो है ब्रीड की थी, लेकिन जो है उसके अंडे जो है ख़राब हो गए। इनकी जो है फर्स्ट टाइम ब्रीड है, और फर्स्ट टाइम में जो है फीमेल के अंडे सारे जो है अनफर्टाइल हो गए, मतलब ख़राब हो गए, बीच में बच्चे नहीं बने। तो अब जो है मैंने वो अंडे हटा दिए। यहाँ से तकरीबन 18 दिन हो चुके थे, और मैंने वो अंडों को जो है फ्लैश लाइट से चेक भी किया है, तो वो जो है मतलब फर्टाइल नहीं थे और ख़राब थे, मतलब बिल्कुल बच्चे बने ही नहीं। तो ये फिर जो है मैंने अंडे हटा दिए। अब इसके अंदर जो है मैंने दोबारा से लकड़ी का जो है बूरा डाल के फिर रख दिए। देन जो है फिर जो है ये अब क्रॉस हो रहे हैं दोबारा से। अब देन फिर जब ये ब्रीड पर आएंगे, तो फिर वो वीडियो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनके मेल फीमेल का और एग्जीबिशन का या बजीज का ये होता है कि फीमेल जो होती है उसकी जो नोज़ होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो मेल होता है उसकी नोज़ या ब्लू कलर की होती है या पर्पल कलर की होती है, और फीमेल की जो है वैसे वाइट होती है। और कभी कभी जो है जब ब्रीड पर आई होती है क्या सीन होता है, तो फिर जो है वो लाइट ब्राउन सी, मतलब ब्राउनिश ब्राउन कलर की तरफ आती जाती है, मतलब उस तरह की हो जाती है। तो ये है पेयर, और इस मेल के साथ दो फीमेल लगी हुई हैं। इसमें मैंने दो मटकियाँ रखी हुई हैं। एक ये मटकी है जो कि इस फीमेल जिसके साथ बैठी है वाइट वाली, ये जो है इसका मतलब इसने जो है इसमें अंडे दिए थे। और दूसरी फीमेल जो इस मेल के साथ लगी हुई है वो इधर नीचे है येलो कलर की, वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। उसने जो है यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर ब्रेड की हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये भी फ्लैश लाइट में मोबाइल की बैटरी जो है रोवानी वाली, तो जो है मतलब मैं आपको दिखाता क्या। तो इस पर जो है मैं पहले वीडियो बना दूंगा, फिर आपको अलग से दिखा दूंगा कि इसकी मैंने कितने अंडे दिए हैं और क्या सीन, और इसके अंडे फर्टाइल हुए हैं कि नहीं। तो इसको भी अभी जो है एक वीक हो चुका है इसने अंडे दिए हुए, इसने बाद में दिए हैं, इसकी मैंने पहले भी ख़राब हो गए। तो इस फीमेल की भी फर्स्ट ब्रीड है, ये मैंने पट्टे लिए थे, पट्टों से तैयार हुए, तो अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया ब्रीड के लिए। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो है मेरे बर्ड्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।